आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक में एक और मामला सामने आया है, जहां एक सिपाही जवान ने ही इस परीक्षा पेपर को लीक किया है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को परीक्षा था, जहां एक तरफ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए आए थे, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक होने के कारण इनकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बाकी 2 और एग्जाम जो होने वाले थे उन्हें स्थगित कर दिया गया। अब इस मामले की जांच चल रही है और जांच में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पिछले 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस के लिए हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले बिहार पुलिस के जवान ही शामिल होने का सबूत मिला है। मिली जानकारी के अनुसार पेपर लीक कांड में कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने नालंदा पुलिस के QRT के तैनात जवान कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। दरअसल रामकृष्ण द्वारका कॉलेज में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें कमलेश की भूमिका उजागर हुई है। बताया जाता है कि उसने अपने सगे बहनोई मन्नू उर्फ मोनू समेत दूसरे लोगों के आंसर व्हाट्सएप पर भेजे थे। कंकड़बाग पुलिस ने जब दुल्हन बाजार के रहने वाले मनु के मोबाइल को 2 दिनों तक खंगाला तो पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि कमलेश कुमार ने ही व्हाट्सएप के माध्यम से आंसर की को वायरल किया था। मिली जानकारी के अनुसार SIT पटना और नालंदा में छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो पटना से भी एक आरोपी को पकड़ा गया है। कमलेश कुमार मूल रूप से गया का रहने वाला बताया जा रहा है। साल 2021 में उसका चयन सिपाही पद के लिए हुआ था। वहीं रविवार को परीक्षा के दौरान कंकड़बाग स्थित रामकृष्ण द्वारका कॉलेज से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें कमलेश की भूमिका जो है वो अहम बताई जा रही है। इधर आर्थिक अपराधिक से लेकर विभिन्न जिलों के पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले को गिरफ्तार करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तिथि को लेकर बुधवार को सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना प्रसारित हो रही है, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने कहा है कि ऐसे कोई भी पत्र अभी जारी नहीं किए गए हैं, इसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो जहां एक तरफ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की जो परीक्षा है उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है, परीक्षा में हुई गड़बड़ी में एक बिहार पुलिस के सिपाही भी शामिल हैं, उन्होंने क्वेश्चन पेपर के जो आंसर हैं वो व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने आंसर जो है वो सबको दिए और जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।